क्षेत्रीय किसान ने बताया कि ये योजना पहले भी बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, पर सही ढंग से इसका उपयोग न होने के कारण कहीं पशु चोटिल हो जाते थे, जिससे शहर के लोगों ने यह तार वार करना बंद कर दिया था। लेकिन अब युवाओं में सीरियस ढंग से इस काम को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणियों के बाद हिमाचल की वादियां भी सियासी गर्माहट से पिघलने की कगार पर हैं। दरअसल इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस ने सतपाल सत्ती के घर के घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन ऊना में उनके घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा सत्ती के पक्ष में वहाँ उमड़ पड़ा। पार्टी समर्थकों ने इसके बाद सतपाल सत्ती और बीजेपी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद बहुत देर तक वहां तनाव का माहौल बना रहा। लेकिन कांग्रेस समर्थक घेराव के लिए नहीं पहुंचे। बाद में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक सतपाल राजादा ने सत्ती के चुनाव प्रचार पर रोक का हवाला देकर इस घेराव को रद्द करने की बात कही। वहीं बीजेपी समर्थकों ने भी बाद में कांग्रेस के इस घेराव की पूर्व घोषणा का जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया और कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी भी की। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को दम दिखाकर सतपाल सत्ती के घर का घेराव किए जाने की चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कांग्रेस पर हिमाचल जैसे शांत प्रिय प्रदेश का माहौल खराब करने के आरोप लगाए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीटीसी राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस व इको क्लब की छात्राओं ने पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देते हुए रैली का आयोजन किया। नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध है, न आप स्वयं इसका इस्तेमाल करें न दूसरों को करने दें। अधिक से अधिक कपड़े से बने थैले का उपयोग करें। अगर आज पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वो आने वाली पीढ़ी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्र रेखा शर्मा ने बताया कि आज इस अभियान के दौरान पॉलीथीन इकट्ठा किया व स्थानीय कमेटी के पास जमा करवाया गया। इस अभियान में छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने एक बच्ची वनीता देवी सुपुत्री नारायण दास को गोद लिया और 12वीं में उसका बीटीसी कन्या राजकीय विद्यालय में दाखिला करवाया। इस बेटी की पढ़ाई लिखाई इत्यादि का सारा खर्चा एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर स्वयं करेंगे। सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी, ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तरी भारत का पहला नागलोक होगा, जहां पर ये सभी के दुखों को दूर करेगा और सुख समृद्धि लाएगा। आपको बता दें कि इस नागलोक की ये खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति स्थापना होगी और नागराज की ऊंची मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। बाबा अमरदेव ने बताया कि रामलोक में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौतम ऋषि को खुश कर नागलोक के सत्यापन की अनुमति ले नागलोक की स्थापना मात्र से हिमाचल आपदाओं से बचा रहेगा। वहीं धन धान्य की हिमाचल में कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है वो यहां आकर उस दोष को कम कर सकते हैं।
सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला के महासचिव रोहित शर्मा ने की। रोहित शर्मा ने भाजपा पर जमकर वैचारिक हमला किया और बताया कि भाजपा पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है और उनके पास मात्र मोदी का बखान करने के अलावा कुछ नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन भाजपा केवल वायदों की फसल एक बार फिर से चुनावी रणभूमि में बोना चाहती है, जो कांग्रेस इस बार नहीं होने देगी। इस मौके पर जिला सोलन के महासचिव रोहित शर्मा ने बताया कि भाजपा फर्जी राष्ट्रवाद के सहारे हिमाचल में जीत हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसदों ने 5 वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, इसको लेकर भाजपा वोट नहीं मांग रही है। उनके पास कोई चुनावी मुद्दे नहीं रह गए हैं, इसलिए वे मोदी और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर फिर से हिमाचल की जनता में भ्रम फैलाना चाहती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में दम है तो वे जनता के समक्ष अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे। चुनाव में पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों के माध्यम से एवं वेब पोर्टल्स और न्यूज चैनल्स के माध्यम से बार बार एक बात सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश से जो भाजपा के चारों घोषित प्रत्याशी है वह केवल और केवल जो है वह राष्ट्रवाद के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट मांगकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।